जनशताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा छाने वाले यात्री कृपया एक विशेष सूचना की ओर ध्यान दें। ही इज अ ट्रेन अनाउंसर एट CST, अ जॉब ही इज बीन डूइंग फॉर 19 इयर्स। काउंटर क्रमांक 17, 39 और 40 इन काउंटर क्रमांक पर उपलब्ध किया गया है। हम बाहर झांक कर देख रहे थे कि क्या हुआ है करके, देखा कि पब्लिक जो है पैसेंजर जोर से दौड़ रही है और काफी डरी हुई थी, तो तुरंत मैंने अनाउंसमेंट करना शुरू किया कि GRP RFF आप मेन लाइन की तरफ पहुंच जाइए करके। मैं फिर से बाहर झांक के देखा तो देखा जख्मी लोग को, जैसे जिनके बदन पे खून के छींटे उड़े थे और कुछ लोग जख्मी लोगों को खींच कर लेकर जा रहे थे। तब तक मेरे जो साथी थे वो क्या हुआ ये देखने के लिए अपने कैबिन से नीचे उतरे थे। उन्होंने देखा कि पब्लिक दौड़ रही है और चिल्ला रही है आतंकवादी करके, तो तुरंत ऊपर आ गए और मुझे बताने लगे। तो मैंने तुरंत अनाउंसमेंट करना शुरू किया कि पैसेंजर पीछे की तरफ चले जाइए, कोई भी आगे की तरफ ना आए, और पीछे की तरफ से एक नंबर प्लेटफॉर्म की गेट से बाहर जाइए। यह अनाउंसमेंट मैं लगातार हिंदी मराठी में करते रहा। दिमाग में केवल यही था कि मुझे पैसेंजर को बाहर निकालना है। अगर आतंकवादी है तो मुझे मेरे पैसेंजर को पहले बाहर निकालना है और उन्हें डायरेक्शन करना है किस रास्ते से जाना है, क्योंकि पैसेंजर को तो मालूम नहीं था कि अगर मैं ऐसा ये बताता कि भागो तो कहीं से भी भाग सकते थे। There is no denying that his job, however mundane, saved thousands of lives that day. काफी लोग मुझे पहचानने लगे हैं और काफी लोग अनाउंसर को भी, अभी जो पहले अनाउंसर कहाँ बैठते हैं कुछ उनको पता नहीं था अनाउंसमेंट कहाँ से किया जाते हैं। अभी काफी लोगों को पहला जब भी यहाँ पर आते हैं जो लंबी दूरी से यात्रा कर जाने वाले, जो लंबी ट्रेन से, जो वो पहला ये सोचते हैं कि पहला यहाँ पर अनाउंसर को देखेंगे, क्योंकि पूरा अभी उनके दिमाग में अभी ये छाया गया है कि पूरा जो यहाँ पर CST में जो अनाउंसर द्वारा काम किया गया है, तो पहले तो उनके दिमाग में आता है जब हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जब भी जाएंगे तो पहला अनाउंसर का कैबिन कहाँ पर है वो देखेंगे। तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया आपका कैबिन। हाँ जी हाँ, आकर यहाँ पर हाय हेलो करके मिलकर वगैरह पूछताछ वगैरह करके जाते हैं। उस दिन का हादसा पूछते कैसा हुआ था क्या हुआ था। चेंडे विल बी बैक एट वर्क एट CST अर्ली मॉर्निंग ऑन 26/11।